भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे जानकर आप दंग हो जाएंगे। सीआईएसएफ का एक जवान अपनी ससुराल से पत्नी को दुरागमन की विदाई कराकर अपने घर पहुंचा। दोनों पति पत्नी जोड़ा काफी खुश थे। सीआईएसएफ जवान के पैर रंगे हुए थे और पत्नी की अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, लेकिन इस खुशी पर किसी का ग्रहण लग गया और देखते ही देखते इस खुशी को किसी की काली नजर सी लग गई। सीआईएसएफ जवान को आरोपी ने गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पूरी घटना किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं है। शाम में जो है मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद हम सब जब गए अस्पताल जाने के बाद जो है पट्टी उट्टी करवाए, थाना गए। थाना से जो है ना ये पुलिस सब बोला कि जाओ तुम पहले जो है डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है पट्टी उट्टी करवाए। करवाने के बाद जो है वहाँ पर जो है ना ये आलोक कुमार जो कि गोपालपुर थाना का चौकीदार है वो उर्फ संतोष कुमार ये पुलिस के सामने में जो है ना वो धमकी दिया कि आज चलो तुम्हारा जो है ना मर्डर होगा। फिर जाके 1:30-2 बजे रात में जब हम सब घर आए तो तीन चार गोली फायरिंग हुआ। उसमें से जो कि एक गोली लगा मेरे भाई को। भाई का नाम है बालकृष्ण कुमार। कौन कौन मारा है? मारा है ये चार पाँच गो छे सर। गोली मारा है थाना का चौकीदार आलोक कुमार और अमर कुमार और छोटू कुमार उर्फ राकेश कुमार बॉबी कुमार और कारण गोली मार। कारण कुछ नहीं। शाम में जब मेरे भाई गौना से जब लौटे वहाँ ससुराल से आने के बाद जो है सामान वामान लादा गया था तो द्वार पर लगाया रोड पर। रोड के किनारे ही मेरा घर था तो वहाँ पर जब सामान वामान उतारने लगा तो वहाँ पर जो है वो बोलने लगा कि तुम इस जगह बाइक गाड़ी क्यों लगाए यहाँ से हटाओ। तो उस जगह बकवास होने लगा। फिर जाके उधर से जो है ना रड उड लेके निकाल के जो है ना मारने लगा तो हम दोनों भाई को जो है ना मारने लगा। भाई को मार रहा था तो हम नीचे आए तो हमको भी मारने लगा। तो भैया यहाँ पर नहीं थे। भैया आने के बाद जो है हम सबको जो है ना अस्पताल लेके गए। फिर जाके वहाँ से पहले थाना गए। थाना में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं किया। थाना गोपालपुर थाना मिला हुआ है आलोक कुमार। यहाँ आया था गोपालपुर थाना का बोल रहा था कि नहीं पहले गोपालपुर थाना आया। गोपालपुर गोपालपुर थाना बोला एप्लीकेशन लिखा और जो कि गोली लगा हुआ है और बोल रहा है कि ये जख्मी है। जख्मी कैसे हो सकता है? मारपीट में भी जख्मी होता है। जमीन जायदाद का बहुत पुराना दुश्मनी है उसका है, अभी कोई चर्चा नहीं है अभी। दरअसल छुट्टी में घर आए सीआईएसएफ के जवान बालकृष्ण कुमार को गोपालपुर थाना के चौकीदार ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली जवान के जबड़े में लगी है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव की है। जवान पत्नी का गौना कराकर मोटरसाइकिल से घर लौटा था तभी गांव के ही चौकीदार ने जवान पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद जवान वहीं पर गिर गए। घटना के बाद चौकीदार मौके से फरार हो गया। जख्मी जवान को देर रात इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कहा कि जबड़े में गोली लगी है। यह सुनकर परिजन मरीज को लेकर एक निजी अस्पताल ले गए जहां उसके जबड़े से ऑपरेशन कर गोली निकाली गई। हालांकि जवान की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। सीआईएसएफ के जवान बालकृष्ण कुमार के भाई संजीव कुमार ने बताया कि घटना के बाद निजी नर्सिंग होम में गोपालपुर थाने की पुलिस पहुंची और हम लोगों की ओर से दिए गए आवेदन को बदलने के लिए दबाव बनाने लगी, जबकि आवेदन में गोपालपुर थाना पुलिस ने सिर्फ घायल शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने गोली से घायल शब्द को लिखा ही नहीं है। साथ ही बरारी थाने का प्राइवेट ड्राइवर भी पत्रकार बनकर फर्जी रूप से निजी नर्सिंग होम पहुंचा और हम लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। गोपालपुर पुलिस को बरारी पुलिस सहयोग कर रही है। हम लोगों के हाथ से पर्ची छीनकर जला देना, मोबाइल से वीडियो बनाने का पुलिस का विरोध करना, यह सभी कहीं से सही नहीं है। वहीं घायल जवान के भाई संजीव कुमार ने बताया कि हमारे भाई को गोपालपुर थाना के चौकीदार आलोक कुमार उर्फ संतोष कुमार, अमन कुमार, छोटू उर्फ राकेश, बॉबी आदि ने मिलकर हम लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने की कोशिश की है। बीच बचाव में जाने पर मुझे भी बुरी तरह से लाठी डंडे से घायल कर दिया। अच्छा
कैंसल मत लो, कैंसल मत लो, वही मामले पर नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि गोलीबारी गोपालपुर थाना अंतर्गत हुई है, थानेदार से मेरी बात हुई है, अब तक पीड़ित के परिवार की ओर से आवेदन लिखकर नहीं दिया गया है, उनके जो परिजन है उनसे मेरी बात हुई है, हमने आवेदन देने की बात कही है, जैसे ही आवेदन आता है मैं इस पर जांच टीम बैठाऊंगा और जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया करूंगा, चाहे वो पुलिस के लोग ही क्यों ना हो। हमें भी सुनने में आया है, हमें भी आप लोगों के माध्यम से सुनने में आया कि गोलीबारी हुई है, थानेदार से मेरी बात हुई है, अब तक थाना वो लिख के नहीं दे रहा है, उसके परिजन थे उससे हमारी कल बात हुई थी, हमने कहा आप लिख के दीजिए, जिनके खिलाफ लिख के देना आप खिलाफ लिख के दीजिए, बजाबते उसकी जाँच होगी, जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा उसे हम जेल भेजेंगे, चाहे वो कोई क्यों नहीं, चाहे पुलिस का आदमी क्यों नहीं, जेल भेजेंगे साक्ष मिलने। इसमें भागलपुर का एक आरोपी है, उसका दलाल थाना का, उसने कभी ना मारा है, लिख के तो दे, अभी सारी बात हवाई में हवा हवाई हो रही है, गोलीबारी लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं वो, क्या परेशानी है, हमसे उनकी बात हो चुकी है, लिख के नहीं दे रहे, लिख के देंगे हम केस करेंगे। और इसका स्थिति कैसा है? स्थिति ठीक है, हमारी बात हुई है, स्थिति ठीक है, खतरा से बाहर है, गोली निकाल दी गई। और कुछ उसके बारे में सर? जैसे आवेदन देंगे हम केस करेंगे, साक्ष के आलोक में कोई हो, चौकीदार ही क्यों नहीं हो, उसे जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है, ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है, कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।